मिसाल, कायद हमारा बेमिसाल, जिंदाबाद रहीम आगाज, जिंदाबाद वजीर आला, कदम बढ़ाओ पाकिस्तान, पाकिस्तान बलूचिस्तान, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जिंदाबाद, वजीर आला बलूचिस्तान, नारे जाम, नारे जाम, नारे जाम, पाकिस्तान जाम कमाल, जाम कमाल, वजीर आला कदम बढ़ाओ, कायद आवाम कदम बढ़ाओ, कायद आवाम कदम बढ़ाओ, कायद हमारा बेमिसाल, कायद हमारा बेमिसाल, कायद हमारा बेमिसाल, जिए जाम। पास की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करता हूँ जिन्होंने वो उस कहावत को सही साबित किया जो इंग्लिश में एक मुहावरा है कि स्मॉल माउथ बिग वर्ड्स, छोटी मुंह बड़ी बातें। आप जरा अपनी तारीख उठा के देख ले आप कहाँ से निकले हुए हैं, आप जरा अपनी तारीख उठा कर देख ले कि आप किसके कमर बस्ते थे, आप जरा अपनी तारीख निकाल कर देते कि आप किसके मुहाफिज थे, आप जरा अपनी तारीख निकाल कर देते कि आप किसके तनख्वाहखोर थे। अफसोस की बात यह है कि वैसे भी वो हमारे पुराने जमाने के लोग कहा करते थे कि बड़े घर छोटे होंगे और छोटे घर बड़े होंगे। अपने जरा अपने गरेबान में जाकर तो देख ले, अपनी असलियत तो दिखा दे जाम साहब के खानदान के सामने। ये तो किंग ऑफ लस बेला थे पाकिस्तान बनने से पहले, ये तो रियासत लसबेला के मालिकान थे। आपकी कौन सी तारीख है, आप किस को ललकार रहे हैं? आप उस पांच वक्त के नमाजी को ललकार रहे हैं जिन्होंने आज तक करप्शन का नाम सुना नहीं है। आपके पेट भी इसलिए दर्द है, इसलिए मरोड़ है कि आपको करप्शन के लिए पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए आपको दुख हो रहा है कि आपको आवाम को लूटने का मौका नहीं मिल रहा है। हम इंतहाई और शदीद अल्फाज में मोहतरम कायद बलोचिस्तान, मोहतरम जाम कमाल खान साहब और उनके वालिद मोहतरम मरहूम जाम मोहम्मद यूसुफ साहब के बारे में जो अल्फाज आपने कहे थे, हम शदीद और सख्तरीन अल्फाज भी इसकी मुज़म्मत करते हैं और हम आपसे ये मुतालिबा करते हैं कि फौरी तौर पर बिला ताखीर आप किंग ऑफ लसबेला, किंग ऑफ बलोचिस्तान, किंग ऑफ पाकिस्तान, कायद आवाम मोहतरम जाम कमाल खान साहब और उनके फैमिली से माफी मांगे। मैं इस इत्तेजाजी जलसे और मुजाहरे के तवसुत से इंटीग्रेशन और नेब से यह दरख्वास्त करना चाहूंगा कि पिछले साल अपोजिशन को जो फंड मिला था उनके तहकीकात की जाए कि उन्होंने वो जो 16 करोड़ रुपए थे या 18 करोड़ थे जितने भी कायदे मोहतरम ने इनको दिए थे, इनकी तहकीकात की जाए कि उन्होंने वो पैसे कहाँ खर्च किए हैं। हमारे लिए अजीज दोस्तों, तमाम असम्बली के मेम्बरान हमारे लिए काबिल एहतराम है। काश वो लोग जिन्होंने जबान दराजी की है, काश ये हमारे खिलाफ बोलते हमें कोई दुख ना होता, काश ये हमारे पार्टी के दिगर किसी उदेदार के खिलाफ बोलते हम उस पर हमें उससे इतना दुख न पहुंचता। लेकिन आप जब हमारे कायद के खिलाफ बोलेंगे हम खुलकर आपके खिलाफ बोलेंगे। वक्त चूंकि इंतहाई कम है, नमाज का टाइम भी है, अहले बलोचिस्तान को पता है, अहले पाकिस्तान को पता है कि वजीर आला बलोचिस्तान ने जो तरक्याती काम पूरे सूबे में शुरू किए हैं इंशाल्लाह ताला उनके समरात जल्द आवाम देखेंगे। और इतने दूर पहाड़ी इलाकों में जो उन्होंने सैर तफरी के जो मकामात है
जिस तरह पिरगैब हैं, वली तंगी हैं, ज्यारत हैं, दूसरे जो हमारे तफरी मकामात हैं, इनके लिए जो जदोजहद कर रहे हैं, ये हमारे मुखालिफिन को आज़म नहीं हो रहे हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जाम साहब ने जो बेड़ा उठाया है, वो कहते हैं कि काम काम सिर्फ काम, कोई नो करप्शन नो कमीशन, सिर्फ आवाम की खिदमत। क्योंकि इससे अगर ये होंगे तो इनकी सियासत सारी ख़त्म होंगी। अफसोस की बात तो ये है कि आजकल वो लोग भी बोलते हैं जिनके उजरा के बहुत से प्रमोज थे असम्बली में, गवर्नर भी इनका अपना बैठा हुआ था, लेकिन मस्तूम कसानिया हुआ उस पर इन्होंने आंखें बंद की थी। हमारे सैकड़ों उकला शहीद हुए, इस पर उन्होंने आंखें बंद की थी। पश्तो में कहते हैं जो दुर्वा गयो खबर है मना वकला ने पास अमली के औरस पर दिया पांजी साख वकी शिदा पर मस्तूम किस्मा खल का शहीदान सुलो दा पश्तान खल का पर्ची शहीदान से हुई थी दल तबियत जाना था पश्तान चकदारान जोड़ रही पसो आज जानो सैकड़ों हमारे वो उकला शहीद हुए जो एक दो साल के बाद उन्होंने जज बनना था, उस पर इन्होंने आंखें बंद की थी, कोई इन्होंने उस पर कुछ नहीं बोला। और सिर्फ आज उनको जाम साहब की जो ईमानदारी है वो से आजम नहीं हो रही है। लेकिन मुर्जवा पश्तो में कहावत है, मुर्जवा दा खबर रखो वह कारवान तीरी जी, कारवान तीरी जी पी जी मर्द चा पकसा कि नहीं मुर्द बता दिया सुबह खिदमत कहो इंशाल्लाह ताला दास मुर्द मिशन नहीं और मुर्द अल्लाह पाक का शुक्र अदा कहो चाला पाक मुश्ताद कायद मोहतरम इंतहाई ईमानदार वजीर आला कायद फख्र बलोचिस्तान जाम कमाल खान रंग सड़े मुश्ताद वजीर आला पर शक्ल की राखड़ी दी दिए तस्दीक आजिजान द अपोजिशन वाला हम कसम पकदाई की इनका इतराफ अपोजिशन वाले भी करते हैं कि यार बड़ा ईमानदार इंसान है, नमाजी है। पिछले अतवार में जब सी एम सेक्रेट में जो शाना अखराज थे, जो यहाँ पे खरमस्तियाँ हुआ करता था, जो यहाँ पे लोगों अपने तमाशे किया करते थे, आज वो तमाशे बंद हैं। पांच वक्त के नमाज के लिए लोग आते हैं, वहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि नहीं हमें वही पुराना जो करप्शन थे वहाँ पे सुबह सवेरे नाश्ते पे जो सज्जियाँ थी, वो जो इनके ड्रामे थे वो चलेंगे। जाम साहब का सिर्फ इतने ही कसूर हैं कि वो कहते हैं कि नहीं आप इस सुबह की खिदमत करो, आप अगर एक आवाम ने आपको वोट दिए, आप नमूनेट हुए हैं, आप चुने गए हैं, तो आप असम्बली अगर पहुँचें तो आवाम के मसाइल पे बात करें, आप जाती पेट के लिए क्यों बात करते हैं। साल 11 महीने ये लोग खामोश रहते हैं, जब बजट का वक्त आता है इन लोगों के पेट में मरोड़ से पैदा हो जाते हैं, कोई सड़कों पर निकलता है, कोई चीखता है, कोई चिल्लाता है। अब तो यहाँ इन्होंने हद ये कर दिए कि बलोचिस्तान के रिवायात को इन्होंने पामाल कर दिए, अब मर्दों को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। ये सिखाया गया है आपको आपके मशरान ने। हमारा तो सबसे बड़ा गिला हमारे सरदार अख्तर जान मेंगल साहब से हैं कि आपने कौन सा दर्श दिया है इन लोगों को। हम भी जबान रखते हैं, हम भी हमें भी बहुत कुछ मालूम है। कल तक जो पनम के नाम पर आवाम को वरगला रहे थे, आज एक दूसरे के गिरेबान खींच रहे थे। कितने पश्तूनों को मारा गया है यहाँ पे, कितने बलोचों को मारा गया है यहाँ पे। हमारे साथ ही यहाँ पे एक दफ्तर है यार, हमारा मुंह न खुलवाया जाए, सबका तारीख पड़ा है यहाँ पे, कोई दूध का दुला हुआ नहीं यहाँ पे। बेथी गंगा में सबके हाथ उन्होंने धोए सिवाय अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कायद मोहतरम के। हमारे लिए असम्बली के तमाम मेम्बरान काबिल एहतराम है, हमारे लिए तमाम मेम्बरान काबिल एहतराम है, उनको आवाम ने वोट दिए। हम इंतहाई तो किस बात करें कि आप हमारे कायद को ललकार रहे हो, आप हमारे कायद के खिलाफ बोल रहे हो। फिर बलोचिस्तान आवामी पार्टी के हर कारकुन पर लानत हो अगर वो अपने कायद के सर पे खड़ा नहीं होगा। कुल्लू नफ्सुन ज़ायकतुल मौत, हर जिंदा इंसान ने मौत का मजा चखना है। तो गिदड़ की 7 साल जिंदगी से शेर का 1 दिन बेहतर होता है। हमें ये दर्श न दिया जाए, हम उस कौम से ताल्लुक रखते हैं जब हम 55 में पैदा हुए थे तो हमारे सराहने पे खड़े होके 3 पैर किया गया था, उस टाइम हमारे दिलों से खौफ निकाला गया है। हमें इनका दर्श न दिया, हमें ये न बताएं, ये तो हमने एक छोटा सा काल दिया है,
खुदा की कसम है आज के बाद जाम साहब के बाद जो भी बात होगी लोगों के सर हमारे थप्पड़ होएंगे इंशाल्लाह ताला। यार अफसोस की बात है, ये सिखाया गया है आप लोग दो दो दफा तीन तीन दफा असेंबली के नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं, उसके बावजूद भी जो है आप लोग इतनी आप लोगों को शर्म नहीं आई कि आप मुर्दों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। फिर हम बदलाना तो है अगर हम आपको छोड़े। फिर जाम साहब हमारा कायद खान खोल के सुन ले सब, जाम साहब के जो मुखालिफिन हैं और जाम साहब के जो दुश्मन हैं, चाहे वो हमारे अपनों में हैं या गैरों में हैं, वो कान खोल के सुन ले। जाम साहब के ये जानिसार यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, कमी अगर हुई तो हमारे जान फिर हाजिर है, हमारे सीने हाजिर है जाम साहब के लिए।